वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। नेम रिएक्शन में आज डिस्कस करेंगे अल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन, उसके बाद उसका स्टेटमेंट, फिर मैकेनिज्म और लास्ट में कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। तो ये रिएक्शन हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले प्रिंसिपल लिखना है मुझे, तो प्रिंसिपल में लिखूंगा रिएक्शन के हिसाब से। और रिएक्शन कहाँ पर होगा ये, तो ऐसा मेरा स्टार्टिंग मटेरियल होगा, ये एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है, उसके पास वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होना चाहिए। और जब मैं यहाँ पर डाइल्यूट बेस डाल दूंगा, वो NaOH हो सकता है या फिर वो KOH हो सकता है या फिर वो K2CO3 हो सकता है या फिर वो अल्कोक्साइड हो सकता है, ठीक है। तब प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। कैसे बन रहा है ये तो हमें मैकेनिज्म से ही पता चलेगा। और प्रोडक्ट बनने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसको अल्डोल कंडेंसेशन क्यों कहते हैं। तो अब आप देखो, ये प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट को मैं नाम दे दूं, ये एल्डिहाइड पास वाला कार्बन अल्फा, उसके बाद वाला कार्बन बीटा। तो ये प्रोडक्ट क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इन जनरल, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना। अब ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, तो इसमें आप देखो एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मतलब अल्कोहल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड का मैंने ले लिया एल्ड, एल्डिहाइड का ले लिया मैंने एल्ड, और अल्कोहल का ले लिया मैंने ऑल। ये अल्कोहल है तो ये एल्ड प्लस ऑल, इसलिए इसको बोलते हैं एल्डोल। एक्चुअल में ये एल्डोल जो है वो एडिशन रिएक्शन है, कंडेंसेशन नहीं है। कंडेंसेशन किसको बोलते हैं, दो मॉलिक्यूल ज्वाइन हो रहे हैं और उसमें से छोटे मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहे हैं, तब उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। तो यहां पर कोई छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं हुआ है, तो ये हमारा एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट है एक्चुअल में। या फिर अगर आपको एल्डोल प्रोडक्ट पूछा जाए तो आपको यही प्रोडक्ट बनाना है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आपको इसे हीट करना है, तो बेस तो मेरा था ही वहां पर, यहां पर अल्फा कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन है, एक को मैं अलग बता देता हूं। तो जैसे ही बेस के साथ रिएक्शन होगा, बेस यहां से H प्लस खींच लेगा फिर से, और ये जो ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है ये पास में दे देगा। तो ये कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बन जाएगा, ये कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। तो यहां से H, यहां से OH, ऑल ओवर H2O निकल रहा है, इसीलिए इसको कंडेंसेशन बोलेंगे। और एक बात, यहां पर पहले मैंने कॉन्जुगेट बेस बनाया, कार्बन आयन जनरेट किया यहां अल्फा कार्बन के ऊपर, फिर उसने पास में इलेक्ट्रॉन दिया, OH इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है। तो यहां पर OH जो है वो बैड लिविंग ग्रुप है, और अगर बैड लिविंग ग्रुप है तब जो मैकेनिज्म ऑपरेट होगा एलिमिनेशन का, वो है इवन सीबी, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म। तो यहां इवन सीबी से ये प्रोडक्ट बनेगा, जहां पर कार्बन अल्फा और बीटा है वहां पर मैं डबल बॉन्ड बना दूंगा। तो ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच और ये सी एच ओ। तो कॉमन नोमेनक्लेचर में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में चार कार्बन है वहां पर डबल बॉन्ड भी साथ में प्रेजेंट है, तो उसके लिए वर्ड लिखते हैं क्रोटोन। तो ये क्रोटोन हो गया, और फंक्शनल ग्रुप है यहां पर एल्डिहाइड, तो इसको मैं लिख दूंगा एल्डिहाइड, तो इसका नाम बन गया क्रोटोनाल्डिहाइड। और अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे, तो मैकेनिज्म से ही हमें पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कैसे बन रही है। मैकेनिज्म के लिए पहली बात, मैकेनिज्म यहां पर दो है, बेस कैटलाइज्ड एंड एसिड कैटलाइज्ड। तो मैं यहां पर बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म पहले लिख रहा हूं, ठीक है, फिर देखेंगे कि कैसे प्रोडक्ट बनता है। तो बेस कैटलाइज्ड में लिख रहा हूं, इसका मतलब यहां पर जो बेस हम यूज कर रहे हैं वो एज कैटलिस्ट बिहेव कर रहा है, मतलब वो रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है। तो सबसे पहले मैंने यहां पर एल्डिहाइड ले लिया जिसके पास अल्फा कार्बन है, तो ये अल्फा कार्बन वाला एल्डिहाइड। अब जैसे ही मैं इसमें NaOH डालूंगा, तो OH के ऊपर नेगेटिव, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज है,
या तो ये यहां से प्रोटॉन खींच सकता है, या फिर ये OH अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे सकता है, या फिर ये कार्बोनिल के ऊपर अटैक कर सकता है। दो चीजें हैं। अगर ये OH अपने इलेक्ट्रॉन्स H प्लस को डोनेट करता है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, बेस। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल मतलब कि यहां कार्बन को देगा तो मैं उसको बोलूंगा न्यूक्लियोफाइल। तो बेस और न्यूक्लियोफाइल, क्लियर है। अब ये कार्बोनिल के पास वाला कार्बन अल्फा, यहां पर जो हाइड्रोजन है वो हाईली एसिडिक है। हाईली एसिडिक मतलब यहां से H प्लस निकलेगा, फिर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा, वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। तो देख लेते हैं यहां पर ये OH, यहां से H ऑल ओवर H2O निकला, लेकिन मॉलिक्यूल में से तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन निकला। तो ये CH2 कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और एक दूसरी चीज याद रखना है, कभी भी बेस की प्रेजेंस में कैटायन जनरेट नहीं होगा, ये एनायन जनरेट होगा। तो ये मेरा बन गया कार्ब एनायन। कभी कभी मैं बोलूंगा कि बेस का रिएक्शन होगा तो वो एसिडिक प्रोटॉन खींचेगा, तो खींच लिया। देखो ये CH2 है, यहां पर हाइड्रोजन था, ये OH ने अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे दिए, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल गए। तो ये बेस अपना इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे रहा है। कभी कभी मैं बोलूंगा कि एसिड प्लस बेस रिएक्शन होने के बाद सॉल्ट बनेगा, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज एज सच लिख दो या फिर इसके साथ सोडियम लिख दो, कोई इश्यू नहीं। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये स्टेबल है, तो ये कैसे स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबिलाइज है। तो अब क्या क्या हो सकता है, एक अगर ये नेगेटिव चार्ज अगर अपना इलेक्ट्रॉन फिर से इस H2O के H को दे देगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब रेजोनेंस कैसे होगा, A डबल बॉन्ड B, C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन का वैलेंसी बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। CH2 सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन एज इट इज, यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये इनोलेट आयन बन गया, रेजोनेंस स्टेबिलाइज है ये। अब क्या होगा, इसका रिएक्शन या फिर इसका रिएक्शन दूसरे एल्डिहाइड के साथ होगा, तो यहां पर मैं दूसरा एल्डिहाइड ले रहा हूं, तो ये फर्स्ट स्टेप में कार्बन एनायन बना। अब स्टेप नंबर टू यहां पर मैं ले लेता हूं दूसरा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां पर मैंने ले लिया कार्ब एनायन, या फिर ये ले लो, अगर ये लेंगे तब भी ये अटैक तो इसी कार्बन से होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां देगा, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होंगे और ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहां पर एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर आपने यहां पर एक ही एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल दिखाया, ये रिएक्शन में तो दो एसिटाल्डिहाइड यूज हो रहे हैं ना, तो एक बात ध्यान से समझ लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कभी भी एक मॉलिक्यूल ले ही नहीं सकते, कभी एक मॉलिक्यूल नहीं ले सकते, क्योंकि मोल कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आप ग्राम या फिर मिलीग्राम में कंपाउंड लोगे तो उसमें भी लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर आपको यहां पर दिखाया गया है कि आप दो मोल ले रहे हो, अच्छी बात है, अगर नहीं दिखाया गया है तो आपको समझ लेना है कि हमें दो मोल लेने हैं। अब क्या होगा, ये कार्बन एनायन है, ये अटैक कर देगा इस कार्बोनिल के ऊपर, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये CH3, ये CH एज इट इज, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन CH2 और ये CHO। अब ये क्या बना, अल्कोक्साइड। तो अल्कोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, अल्कोक्साइड हाइड्रोक्साइड से भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो ये क्या करेगा, यहां पर जो H2O निकला था और मैंने आपको बताया था कि ये जो है बेस कैटलाइज्ड है, तो ये NaOH हमारा कैटलिस्ट था, NaOH ने यहां से H प्लस खींच लिया, NaOH ने यहां से H प्लस खींच लिया, मतलब OH माइनस जो था उसने रिएक्ट किया। अब OH माइनस लास्ट में निकल भी जाएगा तभी तो ये बेस कहलाएगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन अपना देगा अल्कोक्साइड आयन इस हाइड्रोजन को, और यहां पर जो दो इलेक्ट्रॉन है इस OH को मिल जाएगा, तो यहां से निकलेगा OH माइनस, तो ये हाइड्रोक्साइड पहले ऐड हुआ था लास्ट में
निकल रहा है, इसलिए इसको हमने बोला कैटलिस्ट। तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, ये CH3, फिर CH, ये OH, CH2, CHO, क्या बना, ये अल्फा, ये बीटा, और इसको नाम दे दो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब अगर मैं इसको फिर से हीट कर दूं, अगर मैं इसको फिर से हीट कर दूं, मतलब टेम्परेचर दे दो, जैसे मैं इसको टेम्परेचर दे दूंगा तो बेस अंदर है ही, बेसिक मीडियम है ही, तो बेस क्या कर लेगा, यहां से बेस यहां से H प्लस खींच लेगा, तो यहां से H प्लस निकला, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वो पास में दे सकता है, ये कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा, यह ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, तो यहां से H प्लस, यहां से OH माइनस, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इवन सीबी मैकेनिज्म है, तो ये H2O निकलेगा जब हम इसको हीट करेंगे, और ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट क्या है, ये अल्फा, ये बीटा, तो ये बन गया अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। तो ये क्यों बन रहा है, ये क्यों बन रहा है, क्योंकि यहां से H2O निकलने के बाद ये जो प्रोडक्ट बना, यहां पर कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये कॉन्जुगेशन में है, ए डबल बोन बी, सी के ऊपर डबल बोन है, मतलब रेजोनेंस हो रहा है, और अगर इसमें रेजोनेंस होगा तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल बन रहा है, इसलिए वहां से H2O निकल सकता है। तो ये बेसिक मैकेनिज्म हो गया। अब बेसिक मैकेनिज्म में स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ कार्ब एनायन, सो बेस अब्स्ट्रैक्ट मोर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन टू जनरेट कार्ब एनायन। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, कार्ब एनायन एज न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द कार्बोनिल कार्बन ऑफ सेकेंड एल्डिहाइड टू गिव अल्कोक्साइड, अल्कोक्साइड बींग मोर बेसिक एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल टू गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड विच लूजिज वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ बेस टू गिव अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। तो ये बेसिक मैकेनिज्म। अब एसिडिक मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म एसिड कैटलाइज्ड, तो यहां पर भी जो एसिड है वो कैटलिस्ट है, मतलब एड होगा और फिर से निकल जाएगा। तो ये मेरा एल्डिहाइड है, अगर इस एल्डिहाइड का रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को दे देगा, मतलब प्रोटोनेशन हो गया, तो क्या बनेगा, CH3 सी डबल बोन ओ एच, ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे दिया और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज बन गया पॉजिटिव, ठीक है। अब ये अनस्टेबल हो गया, तो यहां पर अल्फा कार्बन के ऊपर तीन हाइड्रोजन है, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं। अब क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सोनियम आयन बना, तो ये क्या करेगा, कार्बन कार्बन के बीच इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ये कार्बन का वैलेंसी बढ़ गया, ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए था ले लिया, तो यहां से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH OH सिंगल बॉन्ड। तो ये प्रोडक्ट क्या बना, पॉजिटिव चार्ज था अब न्यूट्रल बन गया, यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन उसी कार्बन के साथ अल्कोहल, तो ये मेरा बन गया इनोल। अब इस इनोल का रिएक्शन सेकेंड स्टेप में होगा दूसरे प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड से, तो ये दूसरा प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड ले लेता हूं मैं, ये CH3 CHO प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH ये OH। अब एक बात यहां पर आपको याद रखनी है, मीडियम एसिडिक है तो कैटायन जनरेट हो सकता है, एनायन कभी जनरेट नहीं होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर दे देगा, तो ये कार्बन के ऊपर क्या हुआ, बॉन्ड बन गया, अब ये इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है समझने के लिए, लेकिन इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन है, एसिड कैटलाइज, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से अटैक कर देगा इस कार्बोनिल के ऊपर, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सॉरी ये प्रोटोनेटेड था। तो अब क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये CH3 फिर ये CH, यहां पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था, अब
सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज था ऑक्सीजन के ऊपर, फिर से लोन पेयर मिल गए, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच बॉन्ड बना, तो ये CH2, ये CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि तीन बॉन्ड बना लिए ऑक्सीजन ने। अब फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन हुआ था, लास्ट स्टेप में डी प्रोटोनेशन होगा, तभी तो हम बोल सकते हैं कि वो एसिड जो है हमारा कैटलिस्ट है। तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन ले लेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा H प्लस। अब प्रोडक्ट क्या बना, CH3CHOH CH2CHO, ये प्रोडक्ट बना। तो ये प्रोडक्ट क्या है, अल्फा और बीटा, ये प्रोडक्ट है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मतलब सेम प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसको मैं जैसे हीट कर दूंगा, यहाँ से अल्फा से एच प्लस, बीटा से ओ एच माइनस, एच टू ओ निकलेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। तो ये हमने सिर्फ एल्डिहाइड का एग्जांपल लिया, अगर यहाँ पर मैं एल्डिहाइड की जगह पर कीटोन ले लेता जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तब भी ये रिएक्शन होता, लेकिन कीटोन और एल्डिहाइड में, कीटोन और एल्डिहाइड में रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा है ये हमें सोचना होगा। दूसरी बात, ये जो हमने रिएक्शन लिखा तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, प्रिंसिपल कैसे लिखेंगे, तो देखो प्रिंसिपल में क्या हो रहा है, व्हेन एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट बेस इट गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। अब यहां पर एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे एल्डोल प्रोडक्ट विच लूजेज वाटर मोलिक्यूल वैन हीटेड टू गिव अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। तो ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना क्योंकि यहां से H2O निकल रहा है। अब कीटोन के लिए भी हम सेम लिख सकते हैं, तो अगर हमने मैंने यहां पर कीटोन लिया होता तो वहां पर जो प्रोडक्ट बनता पहले यहां पर, तो यहां कीटोन आता, यहां पर तो बीटा हाइड्रोक्सी ही आता, तो उसको मैं बोल देता बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको इन जनरल कीटोल बोल सकते हैं, कीटोन, कीटोन प्लस अल्कोहल, तो ये कीट ये ऑल, तो कीटोल बोल सकते, लेकिन नॉर्मली हम जो वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं एल्डोल, तो इन जनरल एल्डोल ही यूज करते हैं उसके लिए भी। अब यहां पर दो अलग अलग कार्बोनिल है, ये एल्डिहाइड है ये कीटोन है, ये दोनों में रिएक्टिविटी किसका ज्यादा है ये हमें देखना है। तो मान लो ये कार्बोनिल कार्बन है, यहां पर डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस, यहां पर भी ये डेल्टा प्लस ये डेल्टा माइनस, मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब हमें देखना है कि किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। तो यहां पर ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कौन सी इफेक्ट से, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से, यहां पर ये मिथाइल पॉजिटिव इंडक्टिव से डोनेट कर रहा है, लेकिन यहां पर दूसरा मिथाइल है वो भी पॉजिटिव इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो मान लो ये कार्बन है, इसके पास 100 रुपये है, हम क्या देखेंगे, जिसके पास पैसे कम है उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, 100 रुपये है, ये मिथाइल इंडक्टिव से डोनेट कर रहा है तो ये 10 रुपये, टोटल इस कार्बोनिल कार्बन के पास 110 रुपये है, यहाँ पर ये 100, ये 10 और ये 10, इसके पास 120 रुपये है। तो अब इलेक्ट्रॉन कम किसके पास है, इसके पास, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा तो इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। दूसरी एक चीज, ये जो हमने फर्स्ट रीजन दिया, ये हमने जो रीजन दिया वो रीजन क्या था, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर था ये कि किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। दूसरा स्टेरिक फैक्टर की अगर बात करें, स्टेरिक फैक्टर, तो ये कार्बोनिल कार्बन है, यहां पर दो मिथाइल ग्रुप है, यहां पर एक ही मिथाइल है, ये छोटा ग्रुप है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कीटोन में ज्यादा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा तो वो इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये दो रीजन से, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर एंड स्टेरिक फैक्टर से, एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा है कीटोन की कंपैरिजन में।
ओके तो अब डिस्कस करते हैं आल्डोल कंडेंसेशन के फीचर। तो फीचर देखने के लिए मैं यहां पर फिर से एक बार ट्रिक बता देता हूं आपको। ये दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ले लिए मैंने। फर्स्ट स्टेप में बेस क्या कर रहा था, यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा था, मतलब एक हाइड्रोजन कम हो गया। फिर ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करता था, जो बेस ने प्रोटॉन लिया था वो प्रोटॉन यहां पर आ गया। तो क्या हुआ, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन के बीच बॉन्ड बना, ठीक है। तो फीचर क्या है, ये रिएक्शन से क्या हो सकता है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच रिएक्शन हो रहा है तो क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन है ये। दूसरी बात, इंट्रामॉलिक्यूल कैन ऑल्सो बी पॉसिबल, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन कैन ऑल्सो बी पॉसिबल, मतलब वो भी हो सकता है, वो एप्लीकेशन में देखेंगे। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो प्रोडक्ट बना वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा है। कैसे बन रहा है, तो एक मॉलिक्यूल का ये अल्फा कार्बन और दूसरे मॉलिक्यूल का ये कार्बोनिल कार्बन जो पहले था वहां पर बीटा बना। सो अल्फा कार्बन ऑफ वन एल्डिहाइड एंड कार्बोनिल कार्बन ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल रिएक्ट टू गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट में क्या होगा, दो फंक्शनल ग्रुप होंगे। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होंगे प्रोडक्ट में, फंक्शनल ग्रुप इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक एल्डिहाइड या फिर अगर कीटोन लिया होता तो ये कीटोन भी हो सकता है एंड अल्कोहल या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और एक चीज, यहां पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऑलवेज बीटा के ऊपर जनरेट होगा, तो मैं लिख देता हूं ऑलवेज ऑलवेज बीटा हाइड्रोक्सी, या तो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन, इन जनरल मैं क्या लिख दूंगा कार्बोनिल, ऑलवेज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड विल बी जनरेटेड। मतलब आपको करना क्या है, आपको एल्डिहाइड दिया गया है या कीटोन दिया गया है, पहली बात एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा है कीटोन से, दूसरी बात एक मॉलिक्यूल का अल्फा और दूसरे मॉलिक्यूल का जो कार्बोनिल कार्बन था उन दोनों के बीच बॉन्ड बनाना है और बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनाना है। अब एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड के साथ भी हो सकता है, कीटोन के साथ भी हो सकता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन, हम दो एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे, एक सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन और दूसरा क्रॉस्ड या फिर मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन। सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन किसको बोलेंगे, अगर दो सेम एल्डिहाइड के बीच रिएक्शन हो रहा है सिंपल, अगर दो सेम कीटोन के बीच रिएक्शन हो रहा है सिंपल, अगर दो अलग अलग एल्डिहाइड के बीच रिएक्शन हो रहा है क्रॉस एल्डोल, अगर दो अलग अलग कीटोन के बीच रिएक्शन हो रहा है क्रॉस कीटोल या फिर क्रॉस एल्डोल ही बोलेंगे हम उसको, या फिर अलग एल्डिहाइड और अलग कीटोन दोनों ही अलग है, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच रिएक्शन होगा तब भी क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो वन बाय वन एग्जाम्पल नंबर वन, सबसे पहले हम ले लेते हैं कीटोन।
तो जैसे मैंने आपको बताया कीटोन का रिएक्टिविटी कम होता है, तो ये रिएक्शन में यील्ड लो मिलेगा, यील्ड्स आर लो इन केस ऑफ कीटोन। यहां पर मैं डाइल्यूट एनओएच ऐड कर दूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले यहां पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है, फिर वो दूसरे कीटोन के ऊपर अटैक कर देगा। तो यहां पर मैं मैकेनिज्म समझने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, वैसे आप डायरेक्ट भी प्रोडक्ट बना सकते हो। ये फिर ये जो दूसरा कीटोन है इसके कार्बोनिल के ऊपर ये अटैक कर देगा, तो ये नेगेटिव चार्ज चला गया, न्यूट्रलाइज हो गया, ये कार्बन का वैलेंसी बढ़ गया, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अब जो यहाँ से H2O निकला था वो हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा। मतलब ये जो फर्स्ट स्टेप है ये तो सिंपली एडिशन है, यहाँ से कार्बन का एडिशन इस कार्बन के साथ हुआ, ये हाइड्रोजन का एडिशन इस ऑक्सीजन के साथ हुआ, तो ये प्रोडक्ट बना बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये अल्फा और ये बीटा। अब अगर मान लो आपको ये बताया गया है कि आपको इसे हीट करना है, तो मैं अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड बना दूंगा, तो फर्स्ट स्टेप में ये प्रोडक्ट लिख रहा हूं मैं CH3, फिर ये कार्बन के साथ ये CH3 और OH को मैं ऊपर लिख देता हूं, फिर ये बीटा के साथ ये अल्फा कार्बन CH2, इसके बाद COCH3। अगर आपको बोला गया कि आपको इसको हीट करना है, तो मैं यहां से अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से OH H2O निकाल दूंगा, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, ये CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3, तो ये प्रोडक्ट बन गया अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। सेकेंड एप्लीकेशन नंबर टू, अगर यहां पर मैं आल्डिहाइड ले रहा हूं बेंजाल्डिहाइड, तो यहां पर मैंने बेंजाल्डिहाइड लिया, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मैं लिख देता हूं नो अल्फा हाइड्रोजन प्लस दूसरा जो मॉलिक्यूल ले रहा हूं वो ले रहा हूं ये एसिटाल्डिहाइड, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, मुझे डाइल्यूट एनओएच के साथ रिएक्शन कराना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी तो ले सकते हैं क्योंकि वो भी बेस है। अब नेगेटिव चार्ज यहां पर जनरेट होगा, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, दो अलग अलग एल्डिहाइड के बीच रिएक्शन हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस, ये क्रॉस आल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। ये भी तो हो सकता है कि यहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, अपने आप पर अटैक कर देगा, सेल्फ कंडेंसेशन, तो यहां पर दो प्रोडक्ट मिलेंगे, कौन कौन से, एक ये तो हमने मैकेनिज्म में जो एग्जांपल लिया था वही है, ठीक है, और ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो ये कार्बन अल्फा और ये कार्बोनिल, ये दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा, ये कार्बन के ऊपर सॉरी ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो फर्स्ट स्टेप में ये प्रोडक्ट बनेगा PHCHOH और ये CH2CHO बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर आपको बोला गया है कि सेकेंड स्टेप में आपको हीट करना है, तो कर दो हीट और H2O निकाल दो, ये प्रोडक्ट बन जाएगा PHCH डबल बॉन्ड CH CHO, ये एक प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने अपने आप पर अटैक कर दिया ये, तो ये यहां पर अटैक कर देगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो अल्फा और बीटा के बीच बॉन्ड बनेगा, बीटा के ऊपर हाइड्रोक्सी बन जाएगा, तो दूसरा प्रोडक्ट ये भी बन सकता है CH3 ये CHOH, यहां पर CH2 यहां पर CHO, तो ये बना बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर हीट किया तो इसको भी एनर्जी मिलेगा और यहां से भी H2O निकल जाएगा, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड यहां पर भी बन जाएगा, ये CH3CH डबल बॉन्ड CH एल्डिहाइड, ठीक है, E1CB से एलिमिनेशन हो रहा है। अब ये जो प्रोडक्ट बना ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है, तो ये प्रोडक्ट माइनर बन गया। और एक चीज इसको नाम दे देते हैं, तो तीन कार्बन है यहां पर, तीन कार्बन के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, प्रोप, तो ये 1 2 3 प्रोप, यहां पर फिनाइल ग्रुप है तो 3 के ऊपर फिनाइल, IUPAC नोमेनक्लेचर लिख रहा हूं मैं, 3-phenyl, ये प्रीफिक्स हो गया, तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप, प्राइमरी सफिक्स इन, 2 के ऊपर ये 1 2 3, ये 2 इन और इसके लिए आल, तो ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर बन गया।
इसका कॉमन नेम है सिनेमाल्डिहाइड। क्या नाम है इसका कॉमन? सिनेमाल्डिहाइड। और ये माइनर प्रोडक्ट है, इसको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दे दो 1, 2, 3, 4 रूट वर्ड चार कार्बन के लिए, ब्यूट प्राइमरी सफिक्स 2 in और सेकेंडरी सफिक्स आल, ये इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बन गया। और इसका कॉमन नेम क्या लिखा था हमने? क्रोटोनाल्डिहाइड। तो ये प्रोडक्ट माइनर बनेगा जबकि ये प्रोडक्ट मेजर बनेगा। तो यहां पर एक चीज जो हमें समझनी है सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अगर दो अलग अलग एल्डिहाइड या फिर कीटोन ले रहे हैं, मतलब क्रॉस रिएक्शन हो रहा है, तब अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो आल्डोल रिएक्शन नहीं होगा, वहां पर केनिजार होगा। अगर दोनों में से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या सिचुएशन है? यही पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये अपने आप पर अटैक कर देगा और ये दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक कर देगा, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। और उसमें भी जो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, ये तो सेल्फ कंडेंसेशन है, जो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होगा। अगर मान लो यहां पर मैंने जो स्टार्टिंग मटेरियल लिया, यहां पर थर्ड ऐसा कुछ ले लिया मैंने, CH3CHO प्लस CH3CH2CHO ऐसा कुछ ले लिया, तो यहां पर भी मैंने दो अलग अलग एल्डिहाइड लिए हैं, डाइल्यूट NaOH के साथ मैं इसको हीट करूंगा तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? चार प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा पहला प्रोडक्ट, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये अपने आप पर अटैक कर देगा दूसरा प्रोडक्ट। यहां पर भी अल्फा के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज जनरेट कराना है आपको, तो ये अल्फा के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा प्रोडक्ट नंबर 3, नेगेटिव चार्ज यहां बना, अपने आप पर अटैक कर देगा प्रोडक्ट नंबर 4। तो यहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो मेजर बनेगा, लेकिन यहां पर चार प्रोडक्ट एक साथ बन रहे हैं, मतलब ये हमारे लिए सिंथेटिकली कोई यूजफुल नहीं है। तो मैं चारों प्रोडक्ट बना देता हूं, यहां से भी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बन रहा है यहां पर, ठीक है? तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर मैं दूसरा मॉलिक्यूल ले लेता हूं, ये इसका दूसरा मॉलिक्यूल, तो पहले ये दोनों के बीच रिएक्शन होगा तो वही प्रोडक्ट बनेगा क्रोटोनाल्डिहाइड। फटाफट लिख देते हैं CH3CH CH CHO, ये पहला प्रोडक्ट। अब दूसरा प्रोडक्ट, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो मैं यहां पर इसको ले लेता हूं CH3CH2CHO, मतलब ये और ये इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा और यहां से H2O डायरेक्टली मैं निकाल देता हूं, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, ये CH3CH2 फिर ये CH इसके साथ, ये CH डबल बॉन्ड से और ये एल्डिहाइड, ये दो प्रोडक्ट बन गए। अभी इसके अल्फा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, ये CH3CHO, तो ये दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा अल्फा और बीटा, यहाँ से मैं डायरेक्ट डबल बॉन्ड बना देता हूँ, H2O निकल जाएगा, तो ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा CH3CH, ये CHO, यहाँ पर डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा के बीच, और ये CH इसके साथ CH3, तो ये तीसरा प्रोडक्ट बना। और चौथा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ये अपने आप पर अटैक कर देगा, ये अपने आप पर अटैक कर देगा, तो ये CH3CH2CHO, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा, अब यहां से H2O निकलेगा, तो प्रोडक्ट फटाफट बनाते CH3CH2 फिर ये CH इसके साथ ये डबल बॉन्ड, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन के साथ एक मिथाइल और भी है, ये CH3 और ये CHO, तो ये चार प्रोडक्ट बनेंगे। कभी कभी आपको इसका नाम पूछ लेते, नीचे ऑप्शन दिए गए उसमें इनमें से एक नाम नहीं होगा, तो आप नाम दे देते इसको फटाफट, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 चार कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट प्राइमरी सफिक्स 2 in और सेकेंडरी सफिक्स आल, इसको नाम दे दो 1, 2, 3, 4, 5 पांच कार्बन के लिए
पैंट, फिर टू के ऊपर डबल बोन, पैंट टू इन आल, इसको नाम दे दो लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 1 2 3 4, तो ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है, नाम दे दो। तो पहले ये दो के ऊपर मिथाइल है, तो इसका नाम मैं लिखूंगा 2-methyl, ये प्रेफिक्स है मेरा। अब रूट वर्ड चार के लिए ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स 2-in एंड सेकेंडरी सफिक्स 1-al या फिर सिर्फ आल लिख दो। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 2 के ऊपर मिथाइल है, तो पहले लिख देता हूँ मैं 2-methyl, रूट वर्ड 5 carbon के लिए पैंट, प्राइमरी सफिक्स 2-in और सेकेंडरी सफिक्स आल, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो अब एप्लीकेशन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। 3 एप्लीकेशन के बाद हमें इतना ज़रूर पता चल गया कि अगर सेल्फ कंडेंसेशन होने के बाद एक ही मॉलिक्यूल है तो वो सिंपल आल्डोल है। सिंपल आल्डोल में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, है ना? अगर वो क्रॉस आल्डोल है, मतलब दो अलग अलग आल्डिहाइड, दो अलग अलग कीटोन, या फिर आल्डिहाइड और कीटोन के बीच रिएक्शन हो रहा है, तो 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं या फिर 2 प्रोडक्ट। अगर दो में से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तो अब मैं एग्जांपल कुछ ऐसा ले रहा हूं, ये बेंजाल्डिहाइड ले लिया, इसके साथ मैंने एसिटाल्डिहाइड तो लिया था, अब मैं एसीटोन ले रहा हूं और डायरेक्टली यहां पर भी डाइल्यूट NaOH आपको ऐड करना है और सेकेंड स्टेप में हीट करना है, मतलब अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट बनानी है आपको। तो क्या होगा, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये दोनों के बीच रिएक्शन हो सकता है जो क्रॉस हाइड्रोल है। यहां पर नेगेटिव चार्ज ये अपने आप पर अटैक कर देगा, तो देखो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये अपने आप पर अटैक करेगा ये, ठीक है, यहां पर अटैक करेगा ये, या फिर ये यहां पर अटैक करेगा। तो हमने डिस्कस किया था कि एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा है, एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखे थे हमने और स्टेरिक हिंड्रेंस, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसका रिएक्टिविटी कम है, तो यहां पर अटैक कम होगा, इसीलिए क्रॉस आल्डोल प्रोडक्ट मेजर मिलेगा। तो डायरेक्टली बना देता हूं मैं प्रोडक्ट, पीएच ये CH, बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसको हाइड्रोजन मिल गया, फिर यहां पर CH2CO CH3, सेकेंड स्टेप में हीट कर दो, H2O निकाल दो, तो ये बन गया पीएच CH डबल बॉन्ड CH CO CH3, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन बन गया। अब एप्लीकेशन नंबर फाइव, फिर से आल्डिहाइड में यही ले रहा हूं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजाल्डिहाइड, कीटोन थोड़ा चेंज कर देता हूं, CH3COPH, ये एसीटोन था, ये एसिटोफिनोन ले लिया मैंने। अब फिर से डाइल्यूट NaOH के साथ हीट कर दो, तो मैं डायरेक्टली इस बार प्रोडक्ट बनाऊंगा, कैसे, यहां से अटैक होगा इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर OH आ गया, यहां से H, यहां से OH, मतलब यहां से मैं 2 हाइड्रोजन निकाल दूंगा, यहां से ऑक्सीजन निकाल दूंगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट ये बनेगा PH CH डबल बॉन्ड CH CO PH, ठीक है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। अगर नाम देना है तो दे सकते हैं, 3 कार्बन है मैक्सिमम, फिर ये फिनाइल, ये भी फिनाइल, तो 1,3-diphenyl, ये मेरा प्रेफिक्स हो गया 3 के लिए, प्रोप प्राइमरी सफिक्स 2-in सेकेंडरी सफिक्स 1-on। तो ऐसा भी कभी कभी पूछ लेंगे आपको कि ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसका नाम क्या है, ये मेजर होगा, ये अपने आप पर अटैक कर देगा, वो माइनर होगा। अब मैं ले लेता हूं अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड और कीटोन,
तो मैंने एसीटाल्डिहाइड ले लिया, ध्यान से देखना, एसीटाल्डिहाइड ले लिया और एसीटोन ले लिया। यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये दोनों में रिएक्टिविटी ज़्यादा किसका है, इसका, इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो एल्डिहाइड का इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी हाई है एल्डिहाइड का, ठीक है, जबकि इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी लो है। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट से। अब देखना ये है, पहले तो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो चार प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन ये अपने आप पर अटैक करेगा सेल्फ कंडेंसेशन, ये अपने आप पर अटैक करेगा सेल्फ कंडेंसेशन, वो प्रोडक्ट माइनर बनेगा। दूसरा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तीसरा प्रोडक्ट ये बनेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, चौथा प्रोडक्ट ये बनेगा। अब इसमें से मेजर कौन सा बनेगा ये हमें सोचना है। तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा ये हमें देखना है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इस कार्बोनिल के ऊपर, इस कार्बोनिल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम है। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये एक्सेप्टर है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो डोनेट करेगा, वो डोनर बनेगा। ये क्या एक्सेप्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन। कहाँ से? अल्फा कार्बन से। अल्फा कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये कार्ब एनायन एक्सेप्टर है, जबकि ये कार्ब एनायन डोनर है। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? कीटोन के अल्फा के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना दो, वो कार्बन एंड डोनर है, मतलब ये अटैक कर देगा दूसरे कार्बोनिल के ऊपर, ये प्रोडक्ट मेजर बनेगा क्योंकि ये कार्बन एंड एक्सेप्टर है। तो अब सिंपल हो गया हमारे लिए, यहाँ पर मैं नेगेटिव चार्ज बनाऊंगा और इसको यहाँ पर अटैक कर दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, ये CH3CHOH, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो गया CH2COCH3। सेकेंड स्टेप में अगर हीट कर दो तो H2O निकल जाएगा और ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा CH CH CO CH3। ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, टोटल चार प्रोडक्ट बनेंगे, उसमें से ये सबसे ज़्यादा बनेगा। क्लियर? तो जब भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का रिएक्शन कराना है हमें, याद रखेंगे हम कि डोनर कीटोन ही होगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, और एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो वो डोनेट कर देगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल, डाइल्यूट NaOH ऐड कर दो। अगर आपको बोला गया है कि दो मोल ले लो, दो ले लो, अगर नहीं बोला गया है तब भी यही बनाना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एसिटाल्डिहाइड इज हीटेड विथ डाइल्यूट NaOH टू गिव ब्लैंक, मतलब एसिटाल्डिहाइड हमने एक राउंड बॉटम फ्लास्क में लिया, उसमें NaOH ऐड करके हीट कर दिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ठीक है, जो हमने मैकेनिज्म में पहला ही एग्जांपल लिया था वो प्रोडक्ट बनेगा। अब क्या होगा मैकेनिज्म समझने के लिए, फर्स्ट स्टेप में कार्बन एन जनरेट होगा, दूसरे स्टेप में ये दूसरा जो मॉलिक्यूल है इसके कार्बोनिल के ऊपर ये अटैक कर देगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो फर्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा बनेगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये कार्बन ने ये कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, फिर वो वाटर से हाइड्रोजन ले लेगा। तो फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट ये बनेगा। अगर आपको बोला है कि हीट करना है तो H2O निकल जाएगा, ये अल्फा ये बीटा, तो प्रोडक्ट कुछ ये बनेगा। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। ये दो कीटोन वाला एग्जांपल हमने लिया था, कीटोन वाला, वहां पर
ये एग्जांपल लिया था, इसके जैसे ही मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये एल्डिहाइड और कीटोन था। अब इंपोर्टेंट, मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं, ये सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी ओ सी एच थ्री प्लस सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री एसिटोफिनॉल। अब आप लॉजिक लगाओ, प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो मैंने बताया कि एक कार्बन आयन एक्सेप्टर बनेगा, दूसरा कार्बन आयन डोनर बनेगा। अगर एल्डिहाइड है तो वो कार्बन आयन एक्सेप्टर बनेगा, लेकिन ये तो ये भी कीटोन, ये भी कीटोन, तो आपको क्या याद करना है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है वो एक्सेप्ट करेगा, है ना? तो यहां पर मुझे चार्ज देखना है, ये कार्बन मान लो दोनों के पास 200 रुपए है, यहां पर ये इंडक्टिव से डोनेट कर रहा है, इंडक्टिव तो वीक इफेक्ट होता है, दोनों में 10-10 रुपए देगा, यहां पर भी 10 देगा, तो टोटल यहां पर रुपए कितने हैं? 120 रुपए है इस कार्बन के पास। अब इसको यहां से डोनेशन जो मिल रहा है वो कौन सा है, ये तो देखना है। तो ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर डबल बॉन्ड, तो ये रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और रेजोनेंस से जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मान लो 100 रुपए देता है, तो टोटल रुपए कितने हो गए इसके पास? 210, इसके पास 120, मतलब किसके पास पैसे कम है? इसके पास, मतलब इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है। तो इसका ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है, मतलब ये कार्बन एंड डोनर है और ये एक्सेप्टर है। लिख देता हूं मैं, ये एक्सेप्टर है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, और ये मेरा है डोनर। तो अब बना दो, यहां पर नेगेटिव चार्ज, ये इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक कर देगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा फर्स्ट स्टेप में, डाइल्यूट एनओएच। अब सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, यहां पर सी ओ, यहां पर सी एच टू, और इसने इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक कर दिया, ये कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप थे, मैं ऐसे लिख रहा हूं, और यहां पर ओ एच आ गया। अब मान लो मैं हीट कर देता हूं, तो ये अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से ओ एच निकलेगा, एच टू ओ निकल गया, और ये दोनों के बीच डबल बोन बन जाएगा। एकदम इंपॉर्टेंट है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक ये स्टार्टिंग मटेरियल ले रहा हूं, फिर ये स्टार्टिंग मटेरियल ले रहा हूं, और एक ये स्टार्टिंग मटेरियल ले रहा हूं, ठीक है? अब आप देखोगे तो एक ही मॉलिक्यूल है जहां पर एल्डिहाइड ग्रुप भी है और कीटोन भी है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में ये रिएक्शन होगा। तो ये एग्जांपल कौन सा है? इंट्रामोलिक्यूलर आल्डोल कंडेंसेशन। अब क्या होगा, दो ऑप्शन है मेरे पास, यहां एल्डिहाइड भी है कीटोन भी है, ये एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन, ये कीटोन का अल्फा कार्बन, ये और ये। नेगेटिव चार्ज कहां पर ज्यादा जनरेट होगा? तो कार्बन एंड डोनर कौन होता है? कीटोन, जबकि एल्डिहाइड है वो कार्बन एंड एक्सेप्टर होता है। तो पहले यहां पर मैं नेगेटिव चार्ज बनाऊंगा, एक बार यहां पर बनाऊंगा, एक बार यहां पर, फिर ये कार्बोनिल के ऊपर अटैक कर दूंगा। तो देखो, अगर यहां पर मैं अटैक करता हूं, ये कार्बन एन बनाया और इसका अटैक यहां पर करवाता हूं, तो क्या बनेगा? ये कार्बन एक दो तीन और चार, चार मेंबर रिंग बनेगा, जो कि लेस स्टेबल होता है, लेस फेवरेबल होता है। अगर मैं यहां पर नेगेटिव चार्ज बनाऊं, इसका अटैक इसके ऊपर कर दूं, तो कितने कार्बन है? एक दो तीन चार पाँच और छः, सिक्स मेंबर रिंग बनेगा। तो सिक्स मेंबर तो हाईली स्टेबल होता है, तो ऐसा कुछ बनेगा, ये छः कार्बन बना दूं मैं, ध्यान से देखना,
इसको नंबर दे देता हूँ मैं, ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 1, 2 के ऊपर कीटोन है तो ये मेरा कीटोन 2 वाला, फिर ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो ये जो 6 वाला है वहाँ पर कीटोन था, अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने के बाद बीटा, ये अल्फा और बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनेगा। तो ये डाइल्यूट एनोवेज सिर्फ ऐड किया है मैंने। अगर सेकेंड स्टेप में आपको बोला जाए कि आपको हीट भी करना है तो H2O निकाल दो और प्रोडक्ट बना दो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटो, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा हमारा। चलो यहां पर तो मैंने एल्डिहाइड और कीटोन लिया था, लेकिन यहां पर तो दोनों ही कीटोन है, तो क्या करूंगा मैं, ये अल्फा या फिर ये अल्फा, इसका ये अल्फा और इसका ये अल्फा, कहीं से भी मैं प्रोटोन निकाल कर कार्बेनाइन बना देता हूं। ये कार्बेनाइन फिर ये कार्बोनिल के ऊपर अटैक कर देगा ये, तो ये इस कार्बन के साथ जुड़ गया, 1, 2, 3 मेंबर साइकिल बनेगा, लेस फेवरेबल। यहां पर अगर नेगेटिव चार्ज बना तो ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा। कार्बन कितने हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर रिंग बन रहा है, स्टेबल है, तो बना दो पहले 5 मेंबर रिंग, फिर इसको नंबर दे दो, ये 1, ये 2। तो यहाँ पर कीटोन बना रहा हूँ मैं, ये जो कार्बन है मेरा 1 है, ये कीटोन वाला 2। अब ये कार्बन आयन जहाँ पर बना था, अरे सॉरी ये तो ऑप्शन ही निकाल दिया हमने, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 1, 2, 3, ये 4, ये 5। तो 5 के ऊपर कीटोन था, अब अल्कोहल बन गया और इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप भी था, तो ये मिथाइल एज सच रहेगा। अब अगर हीट करने को कहा जाए तो ये कीटोन पास वाला अल्फा और ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बन गया, H2O निकाल दो और प्रोडक्ट कुछ बना दो, क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाएंगे हम ये कीटोन, ये डबल बॉन्ड और यहां पर CH3 ग्रुप, ठीक है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपको क्वेश्चन पूछा गया होगा, नीचे ऑप्शन दिए होंगे और आपको हीट भी करने को बोला गया है, तो आपको ऑप्शन ऐसा सिलेक्ट करना है जहां पर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। तो 2 या 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जहां पर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन नहीं होगा। मान लो यहां पर मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं। कभी कभी वो बाहर की ओर डबल बॉन्ड बना देते हैं, वो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। चलो ये तीसरा, ये तो आप भी कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, अब तो डाइल्यूट एनोवेज के साथ हीट कर दो तो पॉसिबिलिटी, ये कार्बेनाइन, ये कार्बेनाइन, और एक चीज, ये कार्बेनाइन और ये कार्बेनाइन, ये दोनों में स्टेबल कार्बेनाइन कौन सा होता है। चलो ये एक और एग्जांपल, ये एग्जांपल, तो यहां पर पहले एल्डिहाइड है और कीटोन है, तो कीटोन जो है वो कार्बेनाइन डोनर होते हैं, ये एक्सेप्टर होते हैं, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा पहली चीज। अब यहां पर कार्बेनाइन कहां पर जनरेट होगा, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, कौन से अल्फा के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है ये हमें देखना है, तो मैं दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक बार बना देता हूं, ये CH3 CH2 CO CH2 नेगेटिव, यहां पर CH3 CH2 CH CO CH3, यहां पर नेगेटिव चार्ज। अब आप देखो तो ये नेगेटिव चार्ज के पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहां पर भी पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, या फिर यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, तो ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज है, यहां पर भी रेजोनेंस हो रहा है, ये भी रेजोनेंस स्टेबिलाइज है, तो यहां पर ये जो कार्बन है और ये कार्बन है दोनों रेजोनेंस स्टेबिलाइज है, लेकिन ये कार्बेनाइन है इसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इंडक्टिव से, तो ये कार्बेनाइन
ये कार्बन है, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज सेम है, इसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये अनस्टेबल बनेगा, तो ये मेरा अनस्टेबल कार्बन आयन है, जबकि ये स्टेबल है। ये दोनों की कंपेरिजन कर रहे हैं हम, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मैं बनाऊँगा और इसका अटैक इस कार्बोनिल के ऊपर करवा दूँगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बना दो पहले ये प्रोडक्ट CH3, CH2, CO, CH2, CH, OH और CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर हीट करने को बोला गया है तो आप हीट कर दो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बना दो, ठीक है, मैं डायरेक्टली बना देता हूँ। ये हीट किया, यहाँ से आप एक स्टेप ज़्यादा लिख लेना, मैं यहाँ डबल बोन बना देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर आपको ये सिर्फ नहीं सोचना है, आपको एक और चीज़ सोचनी है, वो क्या है कि यहाँ से अगर मैं अटैक कराता हूँ तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, और यहाँ से अटैक करवाता हूँ तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी। रिंग की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा 6 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 5 मेंबर, फिर 7 मेंबर, तो 6 सबसे ज़्यादा, फिर 5 और फिर 7, तो 6 मेंबर बनेगा तो हम वही बनाएंगे। 5 और 7 दोनों बन रहा है तो मैं 5 मेंबर बनाऊंगा, 7 मेंबर बनेगा लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। चलो तो अभी अटैक करवा देता हूँ इसका, ये अगर इसके ऊपर अटैक कर देता है तो यहाँ से ये दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा, कितने कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 5 मेंबर रिंग बनेगा। अगर ये अटैक कर देगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 मेंबर रिंग बनेगा। क्या बोला मैंने, 5 मेंबर रिंग जो है वो फेवरेबल है, तो मैं अटैक यहाँ से करवाऊँगा, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल नहीं है क्योंकि इंडक्टिव से अनस्टेबल है, तो ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, तो यहाँ से मैं अटैक करवा देता हूँ। तो पहले 5 मेंबर रिंग बना देता हूँ, 5 मेंबर रिंग बना देता हूँ, इसको मैं नंबर दे देता हूँ, ये कार्बन 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो ये 5 मेंबर रिंग बन गया मेरा। अब जिसको मैंने एक नंबर दिया है, ये मेरा एक नंबर है मान लो, तो एक नंबर के ऊपर ये ग्रुप है CO CH3, फिर ये 2, 3, 4 और ये 5, तो 5 नंबर के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है, लगा दो मिथाइल। ये अटैक किया तो ये कीटोन है, उसका कन्वर्जन अल्कोहल में हो जाएगा, तो यहाँ पर OH बना। और अगर हीट करने को बोला गया आपको तो आपको कुछ ऐसी प्रोडक्ट बनानी है, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल, और एक एग्जांपल ले लेते हैं इंट्रामोलेक्यूलर का। मतलब अब आप कोई भी एग्जांपल से प्रोडक्ट बना सकते हो, डाइल्यूट एनओएच क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन से प्रोटॉन खींचेगा तो ये एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ये एल्डिहाइड, इसका अल्फा कार्बन ये, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब साइक्लाइजेशन होगा। फिर इस साइकिल में कितने एटम है, तो ये 1, 2, 3, 4 और 5, तो मैं यहाँ पर 5 मेंबर रिंग बना दूंगा, ये CH2 एज इट इज, ये CH, यहाँ पर CHO, ये कार्बन कार्बन जुड़ गया, ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन था और ये OH आ गया। नेक्स्ट स्टेप में अगर बोला गया कि आप इसको हीट कर दो तो यहाँ से H2O निकाल दो, ये डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर ये 5 मेंबर, ये CH2 था, यहाँ पर CHO है,
यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दो, ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया। मतलब एकदम ही सिंपल है, आप मैकेनिज्म से जाओगे कोई भी प्रोडक्ट आप बना सकते हो। और एक एग्जांपल जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और वो आल्डोल है और आल्डोल नहीं भी है, ये एम्स में भी पूछा गया है, JEE में भी पूछा गया है। एग्जाम्पल नंबर 14, देखो हमने कुछ ऐसा लिया था PHCHO प्लस CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड। अब अगर मैं यहां पर पीएच की जगह पर हाइड्रोजन लगा देता हूं तो ये क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड पहली चीज, एल्डिहाइड दो है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ये इसके ऊपर अटैक करेगा। और एक चीज, यहां पर पीएच सीएचओ अगर बेंजाल्डिहाइड होता तो ये इसके ऊपर कम अटैक करता, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी इससे कम है। क्यों? क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहां पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, ठीक है। अब ये अटैक कर देगा इसके ऊपर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आईएमपी लिख दो इसको, आईएमपी। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया CH2COH, ये नेगेटिव, ये अटैक कर देगा इस फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर, तो ये अटैक किया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, प्रोडक्ट क्या बनेगा कुछ ऐसा, ये HCH, यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर जुड़ गया CH2CHO, फिर इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा वाटर से, तो ये अल्फा कार्बन और ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बन गया। लेकिन अभी भी बेस है, इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ये फिर से अटैक कर देगा, तो अभी भी बेस है सेकेंड स्टेप में, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा और ये फिर से इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा CH2OH, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, ये भी अटैक कर देगा इस कार्बोनिल के ऊपर। मतलब जितने हाइड्रोजन है वो सभी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा और वहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा, CH2OH। तो मैं प्रोडक्ट ऐसा बनाता हूँ, ये कार्बन, यहाँ पर CHO डायरेक्टली, यहाँ पर क्या जुड़ा CH2OH, यहाँ पर क्या जुड़ा CH2OH, यहाँ पर भी क्या जुड़ा CH2OH, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा फर्स्ट स्टेप में। एनओएच ऐड करने के बाद अब देखो अल्फा के ऊपर हाइड्रोजन ही नहीं है, तो अब इसको हीट करोगे, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड नहीं बनेगा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर आप इसको बीस के साथ हीट करते हो, लिख देता हूं मैं यहां पर नो अल्फा हाइड्रोजन, और इसको आप एनओएच के साथ हीट कर रहे हो, तो हमारा आल्डोल का कंडीशन क्या था, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन होगा केनिजारो, नो अल्फा हाइड्रोजन तो जो रिएक्शन होगा वो कौन सा होगा, केनिजारो। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम केनिजारो देखेंगे, लेकिन इतना याद रख लो कि केनिजारो में ये जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऐसा एल्डिहाइड है, उसका एक बार ऑक्सीडेशन होगा, एक बार रिडक्शन होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद प्रोडक्ट ये बनेगा CH2OH, 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 दूसरा प्रोडक्ट CH2OH, 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 फिर एक बार इसका मैं रिडक्शन करा दूं तो दोनों को एक एक हाइड्रोजन दे दो, इस कार्बन और ऑक्सीजन को, तो ये बन गया CH2OH। एक बार इसका ऑक्सीडेशन कर दो, और बेसिक मीडियम है तो एसिड बनने के बाद उसका सॉल्ट बन जाएगा, तो ये COONA, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा वो ये दो प्रोडक्ट बनेगा,
ये दो प्रोडक्ट बनेगा, खास समझना है आपको। लेकिन इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड को आप NaOH के साथ हीट कर रहे हो, वो रिएक्शन है आल्डोल, ये आल्डोल रिएक्शन है। जबकि सेकेंड स्टेप में NaOH के साथ रिएक्शन हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो जो रिएक्शन होगा वो कैनिजारो रिएक्शन होगा, और कैनिजारो रिएक्शन से ये दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अभी नेक्स्ट नेम रिएक्शन में हम कैनिजारो डिटेल में डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म के साथ। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।